Hello my dear students, in this particular video I am here to discuss with you very important facts of your life. देखिए क्या हो रहा है बच्चों, इस वीडियो में जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इट इज वेल नोन बाय ऑल ऑफ यू, लेकिन उन पर्टिकुलर चीजों को प्रैक्टिकल वे में हमारी लाइफ में अप्लाई करना, उनको फॉलो करना और उनसे बेहतर रिजल्ट लेना, कहीं ना कहीं यही बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए. आज ये स्पेशल वीडियो फॉर स्टैंडर्ड 8th to 12th, इट मीन्स आज मैं बात करना चाह रहा हूं अपने बच्चों से जो कक्षा 8 में, कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, कक्षा 11 में और कक्षा 12 में अध्ययनरत है. ऐसा नहीं है कि भाई इसमें जो भी मेरा डिस्कशन हो रहा है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द अदर्स, नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन एंड ऑल. लेकिन आज बात हो रही है कि जो भी चीजें हम यहां पर आज डिस्कस कर रहे हैं उसको यदि हमको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है तो भाई कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल चाहिए, एक स्टूडेंट के अंदर एक अपना सेल्फ अवेयरनेस चाहिए. और उसी वजह से जो मैंने आज के वीडियो के लिए क्लासेस का सिलेक्शन किया है वो किया है 8th to 12th. तो भाई बच्चों 8th, 9th, 10th, 11th and 12th, प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुने. देखिए आप में से कौन ऐसा नहीं है जो जीवन के अंदर एक आती सी सफलता को प्राप्त करना चाहता है? आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो जीवन के अंदर बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचना चाहता है, बहुत पैसा कमाना चाहता है, बहुत अच्छा स्टेटस चाहता है, एक स्टारडम चाहता है, एक सोसाइटी के अंदर अपनी एक डिग्निटी चाहता है, एक अपना एक बहुत ही शानदार रेपो चाहता है, राइट? सभी चाहते हैं. लेकिन उस पर्टिकुलर लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारी वर्किंग है, इट इज नॉट सैटिस्फैक्टरी. तो इस वीडियो में मैं आज एक नई चीज की शुरुआत कर रहा हूं, मैं आपके उन्हीं सपनों को पूरा करने जा रहा हूं. और विश्वास करिए आज जो भी मैं डिक्लेरेशन आपके सामने दे रहा हूं, बहुत सोचने समझने के बाद, बहुत गहन चिंतन के बाद आज मैं आपके सामने हूं. टारगेट है आपका लक्ष्य, आपके सपने. तो बच्चों टारगेट आपका, सपने आपके, लक्ष्य आपका, सफलता आपकी, लेकिन रास्ते, रास्ते मेरे. क्या आप तैयार हैं? देखिए कांटों का सफर है, हर दिन चलना है. यदि आप तैयार हैं तो उड़ जाइए, तैयार हो जाइए, दुनिया होगी आपकी मुट्ठी में और आपके सपने होंगे सच, ये मेरा वादा है आपसे. शर्त केवल एक ही है, फॉलो आपको मुझे करना होगा, मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनना होगा, समझना होगा और पर डे का जो भी टारगेट है वो आपको डेफिनेटली पूरा करना होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देखिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि 8वीं से लेके 12वीं तक के जो भी बच्चे जिनके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा है, जो ओबीडियंट हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, वो मेरी बातों को ध्यान से सुने. देखिए ये ऐसा नहीं है कि भाई हम भी करेंगे, व्हाई नॉट एम आई कैन ऑल्सो. अरे नहीं भाई, ये देखिए ये मजाक नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है.
ओके, क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो लंबा है, और ये रास्ता कब पूरा होगा, जब आप आपका जो टारगेट है उसको आप अचीव कर लेंगे, जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उस तक आप पहुंच जाएंगे। यहां पर करना आपको केवल इतना है, मैं ऐसे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना चाह रहा हूं, एक स्पेसिफिक ग्रुप में से बच्चों का बनाने जा रहा हूं, उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो भी चीज होगी वो स्पेशल होगी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, और वहां पे जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, और ये मान के चलिए कि यदि आप तैयार हैं 17 से 18 घंटे काम करने के लिए, मिनिमम गिरी से गिरी हालत में 15 आवर्स, मैक्सिमम 18 आवर्स, 15 से 18 घंटे, यदि आप तैयार हैं मैं आपके साथ हूं। यदि आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, यदि आप मेरे अनुसार अपने आप को एक आइडियल दिनचर्या में ढाल सकते हैं, यदि आप मेरे कहने से उठ सकते हैं, मेरे कहने से सो सकते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आपके सपनों को पूरा करने से रोके। डेफिनेटली जो भी आपके पेरेंट्स का ड्रीम है, जो भी आपके सपने हैं, वो हर सपना निश्चित रूप से पूरा हो सकता है, और शायद आपके एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा, शायद आपने जितना एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा, कहीं आपने इतना सोचा भी नहीं होगा कि भाई मुझे इतना ज्यादा मिल सकता है। भाई यदि आप अपने आप को मेरे अनुसार ढालने के लिए तैयार हैं, तो इस दुनिया का ऐसा कोई भी टारगेट नहीं हो सकता है जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं, जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो आपका स्कूल वर्क है, जितना वर्क आप कर रहे हो, अभी जो आपका लाइव सेशंस आप अटेंड कर रहे हो, राइट, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी आप अटेंड कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, स्कूल का वर्क कर रहे हो, इसके अलावा बहुत कुछ करना है इस नए प्लेटफॉर्म पे। ये जो आपके रेगुलर रूटीन्स हैं, देखिए ये कॉमन रूटीन है, इसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन आपको कहां जाना है, आपको जाना है स्पेशलाइजेशन में, राइट, और यदि आपको स्पेशलाइजेशन में जाना है बच्चों, तो डेफिनेटली आपको स्पेशल वर्क करना पड़ेगा, करेक्ट। स्पेशल वर्क करना इट मींस आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा मेहनत करना है, बहुत ज्यादा समय देना है। यदि अभी तक आप 7 घंटे दे रहे थे, 5 घंटे दे रहे थे, 8 घंटे दे रहे थे, तो भाई जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, डबल। यहां पर हम वो सभी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें आपकी फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल स्ट्रेस, आपका मोटिवेशन, आपकी सब्जेक्ट के ऊपर बेहतर पकड़, आपकी जनरल अवेयरनेस, आपका वेल स्पोकन, आपका वेल कमांड, डीप कमांड ओवर ऑल द सब्जेक्ट्स, आपका डीप जनरल नॉलेज, आपका डीप करंट अफेयर्स। यदि किसी भी करंट अफेयर्स की बात होती है, यदि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी कॉन्सेप्ट की बात होती है, यदि आज की तारीख में क्या हुआ है कोई आपसे पूछने की कोशिश करता है, यदि इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश, इट मे बी ग्रामर और इट मे बी स्पोकन, कोई आपसे बात करने की कोशिश करता है, हर जगह
हर व्यक्ति आपके नाले से प्रभावित होगा, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे जो काम करने जा रहे हैं वो पर्टिकुलर काम जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और सीधी सी बात है कि हर बच्चे को हमको यूनिक बनाना है, हर बच्चे को हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, और उस बच्चे के अंदर की जो भी प्रतिभा है उसको हमको उभारना है, उस बच्चे के जो रूटिंग्स हैं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना है, उस बच्चे को फिजिकली, उस बच्चे को मेंटली हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना है, उस बच्चे को उसके सब्जेक्ट का बहुत गहन ज्ञान कराना है, और साथ ही उसको आगे जाके जो भी सक्सेस के पॉइंट्स चाहिए, जो भी की फैक्टर्स चाहिए, वो आज ही हमें उसको देना है। तो भाई ये होने वाला है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप समझ सकते हो कि इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करना कहीं से कहीं तक इजी नहीं है। 17 से 18 घंटे काम है, सुबह आपको 4 से 4:30 बजे उठना है, आपको योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सभी चीज़ों को आपको फॉलो अप करना है, आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो अप करना है, आपको हर चीज का सैक्रिफाइस करना है। आपके घर में कोई फंक्शन है, आप कोई सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, आप कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स की पार्टी हो सकती है, कोई मैरिज पार्टी हो सकती है, कोई आपका फेस्टिवल हो सकता है, कहीं आपको बाहर जाना हो सकता है, एक्स वाई जेड भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्हाट एवर बी द प्रॉब्लम, टारगेट मस्ट बी अचीव पर डे। आपका जिस दिन का जो टारगेट है वो आपको बच्चों उस दिन पूरा करना ही होगा। यदि आप तैयार हैं इन सब चीज़ों का सैक्रिफाइस करने के लिए, यदि आप तैयार हैं हमारे सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, तो हम भी तैयार हैं आपका एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। आप हमारी सुनिए, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए और फिर बताइए आपको क्या बनना है। निसंदेह जो अभी तक आपने सोचा है उससे कई गुना ज्यादा ऊंचा मुकाम आप हासिल करने वाले हो। बस भाई देखो, शर्त वेरी सिंपल, सोचते सब हैं, राइट और नॉट, बनना सब चाहते हैं, लेकिन हम, हमारी जो बहुत बड़ी कमी है, जो एक्चुअली जो हमारे साथ होता है वो होता यही है बच्चों, कि हम उसको फॉलो रेगुलर वे में नहीं कर पाते हैं, राइट। और रेगुलरिटी इज द की ऑफ सक्सेस, और हमें यही करना है कि हर बेहतर से बेहतर चीज आपको प्रोवाइड करना है, आपकी रेगुलरिटी को मेंटेन करना है। और देखिए, ये जो भी करना है इसके लिए केवल और केवल आप जवाबदार रहेंगे। वी विल नेवर डिस्कस विद योर पेरेंट्स, ओके। आप सोचो कि पेरेंट्स आपको उठाएंगे, पेरेंट्स आपके लिए करेंगे, पेरेंट्स आपके लिए वो करेंगे, तो नहीं, यू आर ऑन द रॉन्ग वे। जो करना है वो केवल और केवल आपको करना है। तो सोचिए, तैयार होइए, और यदि आप 100% श्योर हैं कि किसी भी कंडीशन के अंदर आप उस पर डे टारगेट को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आप हमारी बातों को कभी भी अवॉइड नहीं करेंगे, जिस दिन जो बोला जाता है उसी दिन उस पर्टिकुलर टास्क को आप दिल से कंप्लीट करेंगे, तो फिर आप हमारे इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको 3 दिन का समय दे रहा हूं, राइट। यदि हम आज बात करते हैं आज की डेट की, तो भाई आज है 22 अक्टूबर, ओके। 22 अक्टूबर को सपोज करो ये मैसेज आपके पास पहुंच रहा है, हम वेट करते हैं 23 का, हम वेट करते हैं 24 का, और हम वेट करते हैं 25 का। इट मीन्स मंडे 26 अक्टूबर को, मंडे 26 अक्टूबर को मुझे आपके नाम चाहिए। देखिए, कोई प्रेशर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो आपका भी प्लेटफॉर्म चल रहा है, जो आपकी क्लासेस चल रही है, सब कुछ रेगुलर है। अरे भाई, ये जो वीडियोस है या जो मैं आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ या जिस प्लानिंग को लेके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना भाई, ये सब कुछ बहुत स्पेशल है, ये बहुत स्पेशल है। और यदि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करते हैं, आप हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो मैं तैयार हूं एक बॉन्ड आपके साथ साइन करने के लिए, जिस स्टाम्प पे आप बोलोगे उस पे लिखने के लिए कि आपका टारगेट 100% चल के आप तक आएगा, राइट, ओके। बस बता दिया मैंने, एक बार फिर से फाइनल रिपीट कर रहा हूं, इट इज नॉट इजी प्लेटफॉर्म, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 10 दिन हमको ये करना है, 15 दिन करना है, कि एग्जाम तक करना है। भाई हमको कब तक करना है, हमको जब
तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाए, जब तक हमारा निर्धारित लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो जाए, हमें नहीं रुकना है। हमें लगातार इसी तरह से कड़ी मेहनत करते हुए हमारे डेस्टिनेशन की ओर, हमारे टारगेट की ओर लगातार बढ़ते चले जाना है। राइट? संस्कृत में कविता, एक श्लोक आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, चरामेति चरामेति प्रचलामः निरंतर, वयम धीरा वयम वीरा सदैव च निर्भया, चरामेति चरामेति प्रचलामः निरंतर। मेरी बात समझ गए होंगे बच्चों, हमें चलना है, निरंतर चलना है, बिल्कुल नहीं रुकना है। जब हमारा टारगेट हमें प्राप्त हो जाएगा, उस दिन हम कहीं रिलैक्स की बात करेंगे, एक कंफर्ट जोन की बात करेंगे। जब तक हमने सब कुछ त्याग कर दिया है, सब कुछ हमने छोड़ दिया है, लाइफ के कंफर्ट्स हमने छोड़ दिए हैं, लाइफ का एंटरटेनमेंट हमने छोड़ दिया है, फैमिली फंक्शन को हमने अवॉइड कर दिया है, सोशल फंक्शन को हमने अवॉइड कर दिया है, सोशल मीडिया को हमने पूरी तरह से छोड़ दिया है, फ्रेंड से हमें कोई मतलब नहीं है, किताबें हमारी दोस्त हैं, और पर डे का टारगेट हमें किसी भी हालत में पर डे किसी भी कंडीशन के अंदर अचीव करना है, और एक ग्लोबल एम के साथ हमको बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हुए, एक पॉजिटिविटी में, एक सकारात्मकता के साथ हमको निरंतर आगे बढ़ना है और हमारे टारगेट को प्राप्त करना है। यदि आप तैयार हैं, 3 दिन का समय है आपके पास, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर एज वेल एज 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को मुझे आप आपके नाम दीजिए, मैं आपका एक स्पेसिफिक ग्रुप फ्रेम कर रहा हूँ, उस ग्रुप की पूरी प्लानिंग अलग होगी, उस ग्रुप का पूरा वर्किंग अलग होगा, वहाँ पर हमको जो भी लगता है कि आपसे, आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ, आप 8वीं में पढ़ रहे हैं या आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, लगता है कि भाई ये चीज़ें आपकी लैकिंग है और इसके अंदर आप परफेक्ट नहीं है, वहाँ पर वो टारगेट आपको दिया जाएगा। हो सकता है कि भाई एक दिन का आपको टारगेट दिया कि भाई आपका एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज आज की तारीख में कंप्लीट होना ही चाहिए। राइट? कल इससे संबंधित आपको टेस्ट आने वाला है, एनी कंडीशन आपको ये अचीव करना है। आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि सर अभी हमारे पास स्कूल का बहुत वर्क है, सर हमको वो चीज़ लिखना है, सर उन जो टीचर्स ने, उन 3 टीचर हो रहे सर, उन्होंने बहुत वर्क दिया, आपका वर्क कैसा करें? तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप जो कर रहे हैं आप वो करिए, इस प्लेटफॉर्म को आप छोड़िए, लेकिन आप हर चुनौती का सामना करने को तैयार है, हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार है, आप कहीं भी बहाने नहीं बनाएंगे, आप कहीं भी कड़ी मेहनत से जी नहीं चुराएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगे, और जितने भी व्यसन हैं, जितनी भी बुरी आदतें हैं, उनका त्याग करेंगे, और हमारे द्वारा जो दिनचर्या आपको प्रोवाइड की जाएगी उसको यदि आप फॉलो करेंगे, तो फिर आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। लेकिन यदि आप नहीं कर सकते हैं, यदि आप बहाने बनाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ खड़ी होती है कि आपको लगता है कि नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए इसको रेगुलर कर पाना बहुत मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि 4 बच्चे आते हैं हम तो 4 के लिए मेहनत करते हैं, 40 आएंगे तो हम 40 के लिए मेहनत करेंगे, 400 आते हैं तो हम 400 के लिए भी मेहनत करेंगे, हमारी तरफ से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शर्त एक ही है कि जो भी बच्चा हमारे इस प्लेटफॉर्म पर होगा, वो बच्चा होगा सबसे अलग, वो बच्चा होगा टोटली डिफरेंट, वो बच्चा होगा, जब वो बच्चा खड़ा होगा, जब बच्चा बैठेगा, जब बच्चा चलेगा, जब वो बच्चा 4 लोगों से बात करेगा, तो डेफिनेटली ये चीज उससे रिफ्लेक्ट करेगा, ये चीज उसमें से रिफ्लेक्ट होगी। और क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि जब हम एक स्ट्रिक्ट रूटीन्स को फॉलो करते हैं, एक स्ट्रिक्ट दिनचर्या को यदि हम फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी हमारा टारगेट है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, और हमारी लाइफ को हम पूरी तरह से डिसिप्लिन कर सकते हैं। और जब भाई देखिए सकारात्मकता रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, स्वस्थ रहते हैं, हमारे टारगेट को हम अचीव करते हैं, हम अनुशासन को फॉलो करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? डिफरेंट देन अदर्स। तो चलिए मैं तैयार हूँ, यदि आप भी तैयार हैं, अपने घर पे डिस्कस करिए, अपने आप से डिस्कस करिए, और अगले 3 दिनों के अंदर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि सर आई एम रेडी टू फॉलो यूअर प्लेटफॉर्म। ओके गाइस, तो ठीक है, मेरी बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे, यदि आप तैयार हैं तो मुझे इन्फॉर्म करिए, और 26 तारीख को हम इसका ग्रुप फ्रेम करेंगे, और 27 या 28 तारीख से हमारा डेली टारगेट का जो वर्क है, डेली स्टडी का जो वर्क है, जो डेली स्पेशल चीजें जो करने का टास्क है, वो हम 27 और मैक्सिमम 28 अक्टूबर, 27 या 28
28 अक्टूबर से इसको प्रारंभ कर देंगे। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।